बिहार में खराब नतीजे आने के बाद 12वीं के खराब नतीजे आए, फिर टॉपर पर सवाल उठे। नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है, ठीक है, और तब उसको पकड़ा, फिर उस स्कूल की बात और चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर जब मीटिंग हुई, ये बात जब उठाई, परीक्षा समिति के लोगों ने इन लोगों को बताया, तो इन लोगों ने तुरंत FIR का डिसीजन लिया कि FIR करिए और कार्रवाई करिए, और वो कार्रवाई हो रही है। तो आप ये कोई दावा नहीं कर सकता, आप जितनी चीजों को देख रहे हैं कि भाई कोई चोरी नहीं कर सके, कोई गड़बड़ी नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो, इवैल्यूएशन में कोई गड़बड़ी नहीं, ये सारी चीजें की गई, लेकिन पूरे सिस्टम में कौन कहां किस तरह से दुरुपयोग करता है ये बात तो पता चलती है। और अभी तो हमने एक मीटिंग की थी और हमने कहा कि पूरा एक्शन प्लान बनना चाहिए माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा के इम्प्रूवमेंट के लिए, और हम लोगों को क्या क्या करना है वो देखना है, और इस बीच में ये बात आई है तो उस पर एक्शन हो रहा है। अब इसको यह बता देना कि कुछ नहीं है, इतने एफर्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना एफर्ट हुआ है और उस एफर्ट का कितना अच्छा नतीजा आया है। अब एक तरफ जब चोरी रुक गई तो उसके बाद रिजल्ट में ऑलमोस्ट, यानी इसको छोड़ दीजिए, कॉमर्स साइड को छोड़ दीजिए, लेकिन तीनों मिला करके देखिएगा तो 35% के करीब आता है, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों का एवरेज लेकर देखिए। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा में टाइटनिंग हुई है, इवेल्युएशन भी इन लोगों ने अपने स्तर से जो भी संभव था बहुत अच्छे ढंग से किया, और ये जो बात हुई कि उस समय इवेल्युएशन के समय हड़ताल पर चले गए, अरे भाई आप लोगों का भी तो कुछ फर्ज बनता है, इवेल्युएशन के समय अगर लोग जो हड़ताल पर जाता है तो पब्लिसिटी मिलती है, कोई सजेस्ट नहीं करता है कि ये प्रॉपर टाइम नहीं है हड़ताल का, ये क्या मतलब, सरकार सिर्फ सरकारी तंत्र से चलता है, राजकाज सिर्फ सरकारी तंत्र से चलता है, ये अगर। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो फौरन कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, कार्रवाई की गई है, टॉपर के बारे में जब जानकारी मिली तो उसको लेकर भी कार्रवाई की गई है, और सवाल उठाते हुए कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था पर, क्योंकि बुरे नतीजे आए थे 12वीं के और उसके बाद सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था बिहार में। और एक बार फिर आपको लिए चलते हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के खराब नतीजों को लेकर उनसे किया जा रहा है सवाल। काम करने का तौर तरीका, यहाँ पर कोई किसी चीज पर पर्दा नहीं डालेगा, अगर कोई बात सामने आएगी तो उसके बाएं दाएं और देखा जाता है कि कहीं इधर उधर तो और गड़बड़ी नहीं हुई है, तभी तो निकला। कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया था ना कि लड़के की उम्र ज्यादा दिखती, तो लोगों का फोकस हुआ उम्र पर भी कि आखिरकार क्या बात है, और जब उम्र पर फोकस हुआ तो बहुत चीज निकला। अभी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चलेगा, देखिए इसके अंदर और कुछ जो निकलेगा तो सब के सब पर कार्रवाई होगी, लेकिन इन सब पिछली बार से तो खैर कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। पिछली बार जिस ढंग की धांधली हुई, उस तरह की धांधली तो प्रकाश में नहीं आई, वेल उस तरह की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है अब तक, लेकिन ये पूरे जांच की प्रक्रिया में जो भी जिस प्रकार की नए किस्म की कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। अब एज बदलकर कोई दोबारा परीक्षा दे रहा तो इसको फैसिलिटेट करने वाले जो लोग हैं वो कैसे बचेंगे, वो जिम्मेवार होंगे। तो हम लोग हर बार उतना ही कॉशस, और समझ लीजिए कि ये तीसरा साल एक जबरदस्त रूप से चल रहा है, और इसमें जो भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में और भी सुधार के लिए जो कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे, इसके लिए चर्चा हो गई है, शिक्षा विभाग इस पर मंथन भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ जो चीज़ें सामने आ जाती हैं, आप जब तक समस्या को पूरे तौर पर नहीं समझ पाएंगे तब तक समाधान नहीं निकाल पाएंगे, और समस्या को समझ लेना अपने आप में समस्या का 90% समाधान। अब आप सोच लीजिए कि अगर 600 स्कूल, माने हम आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, जो भी बात कही जा रही, जितने भी कुछ 100 विद्यालय अगर ऐसे हैं जहां पर कि एक बच्चे भी पास नहीं कर सके, छात्र छात्रा कोई उत्तीर्णता हासिल नहीं कर सके, तो ऐसी स्थिति में देखना पड़ेगा भी स्कूल कैसे चल रहा है। अच्छा वहाँ कौन पढ़ाने वाले हैं, अगर सरकारी स्कूल है तो वहाँ पढ़ाने वाले क्या कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर, और लोग तरह तरह के मत को रखने वाले लोग होते हैं, अपने अपने ढंग से किसी भी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, और ये तो लोकतंत्र में उनको स्वतंत्रता है।
मुझे उन चीज़ों पर कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये सब चैलेंज है और इसको हम अवसर में तब्दील करें। शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, बहुत सुधार हुआ है, कहाँ से कहाँ पहुँचे, लेकिन ये लंबी यात्रा, हम लोगों को ऐसा कोई संतोष नहीं होता है कि मान लेते हैं कि सब कुछ हो गया। हम लोगों को लगता है कि अभी बहुत दूर चलना है, मीलों जाना है, बहुत सुधार लाना होगा। और बिहार की आबादी इतनी अधिक है और युवा आबादी इतनी है कि हम शिक्षा और दूसरे इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जो यूथ फोर्स है उसका सदुपयोग देश में नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों की वो मान्यता और कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है कि पूर्णिया में जिस तरीके से मामला आया है कि अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है, डेड बॉडी को जो है बाप बेटा बाइक पे ले जाता है। कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में यह घटना हुई थी, कचरे के ढेर में उठाया जा रहा था। नहीं, अच्छा इशू उठाया। अब इसके बारे में कोई नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं, वो सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन यह भी एक नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति का कोई परिजन अस्पताल में अगर मरता है तो उसको अस्पताल से जहां वो इच्छुक है घर ले जाना या श्मशान घाट ले जाना या जहां भी बरियल के लिए ले जाना, उसके लिए कोई इंतजाम करना है। ये आप लोग जो बोल देते हैं ना, ले जा रहा है तो हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने के लिए लाता है तो हॉस्पिटल में डेथ होता है, तो हॉस्पिटल में तो बहुत डेथ होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि डेथ होना। सबक लिया है, कार्रवाई की गई है, अगर किसी तरह की गड़बड़ी सामने दिखाई दी है तो पूरे मामले की जांच की गई है और भी जांच की जाएगी। इस तरह का आश्वासन देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि रिजल्ट इसलिए खराब आए क्योंकि कड़ाई से परीक्षा ली गई, नकल नहीं होने दी, चोरी रोकने की वजह से रिजल्ट खराब हुआ। ये कहना नीतीश कुमार का, हमारी सरकार ने परीक्षा में चोरी रोकी, नकल को रोका, कम रिजल्ट की वजह ये रही है। आज के टॉपर के जेल जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उम्र छिपाकर परीक्षा देने का मामला है, इस खेल में जो भी शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बिहार में टॉपर घोटाला पार्ट टू सामने आया, पार्ट वन से भी बड़ा बनता जा रहा है ये। जिस गणेश कुमार को टॉपर होने पर जेल जाना पड़ा उसके बारे में नया खुलासा ये हुआ है कि गणेश कुमार का कनेक्शन चिटफंड घोटाले से जुड़ गया है। गणेश ने एक चिटफंड कंपनी में काम किया था, कंपनी भागी तो निवेशक उसके पीछे पड़ गए, जिनसे बचने के लिए गणेश ने अपना शहर छोड़ दिया और अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए वो दोबारा फर्जी तरीके से हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं देने लगा। तो ये एक और बड़ा घोटाला और ज़्यादा जानकारी निकल कर जब सामने आ रही है तो और गहराई तक जाने पर ये मामला कुछ और ही दिखाई दे रहा है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।